दिसंबर का मंथ एंड अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। अभी आपको व्यू दिखाती हूँ। तो जो हमारी अधूरी जर्नी थी मार्च की, वो हम पूरी करने वापस आए हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं व्यू, जिसको देख के आप पागल होने वाले हो। ओह माय गॉड, दिस इज द एरम्बोल बीच। एंड दूर किनारों तक पानी पानी है। यस, हॉरिजॉन अभी बैनी को पढ़ाया गया है, तो वो हॉरिजॉन दिख रहा है हमें सामने। एंड जस्ट हैव अ लुक, ओ माय गॉड, आफ्टर मार्च ये हमारा सेकेंड जर्नी है, बट मार्च में कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो जस्ट वी केम अगेन। बैनी बहुत ज़्यादा डर रही है। नहीं ज़्यादा तो नहीं, मगर थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा डर रही है बैनी। तो पानी से डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप यूज्ड टू हो जाओगे। तो अभी मैं आपको अपने पीछे दिखाती हूँ। यस, तो यही जो व्यू था जो हम मिस कर रहे थे इतने महीनों से, तो वापस हमें बाबा जी ने बहुत ही मतलब दिया, हिम्मत दिया कि हम दोबारा वापस आए हैं। एंड आप देखते रहिए, व्यू का नज़ारा लेते रहिए। पानी पानी है यार, एंड पानी जो होता है ना वो आपको बहुत ही हैप्पीनेस देता है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्वीट वाटर लेक। ये हमें पहले आइडिया नहीं था, हमने फिर पूरा गूगल पे सर्च किया, देन वी केम टू नो दैट ये जो रास्ता जा रहा है ये एरम्बोल से होते हुए, ये ना बहुत ही सुंदर मार्केट लेन दिख रही है हमें। एंड बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े है यार यहाँ पे, एंड सी फेसिंग है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि वापसी में या इवनिंग के टाइम पे हम यहाँ पे ज़रूर बैठें। अभी चलिए हम चलते हैं आगे। तो ये है पूरा मार्केट लेन, एंड बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। बहुत सारे एक्सेसरीज मुझे दिखे यहाँ पे, ड्रेसेस की शॉप्स हैं। मींस अब देखो, वन मोर कैफे इज हियर। सो ब्यूटीफुल यार, वाओ, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे खाते पीते मौज करते हुए आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। एंड स्वीट वाटर लेक, मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है ये लेक हमारे लिए। सो नाइस। यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे ऐसे ड्रम्स देखे हैं, एंड द ड्रीम कैचर, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हैव वन फॉर मी। यहाँ पे कैफेज भी हैं, साथ में उन लोगों के शायद घर भी हैं। एंड ना कैफेज का बहुत ही डिफरेंट इंटीरियर्स भी किया हुआ है, जिससे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये स्ट्रेट लेन है, पूरा स्ट्रेट हम चलते हुए जा रहे हैं। आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है आज। अरे वाह, अगेन बहुत ही सुंदर मार्केट दिख रहा है ये भी। अगर मैं यहाँ पे रुक गई ना तो शायद मैं लेक तक नहीं जा पाऊँगी, बट लेक हमारा डेस्टिनेशन है आज का। आगे में कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है मुझे। वाओ, ये तो बहुत ही एक मूवी का सीन लग रहा है। यहाँ पे पिक्चर्स लेना तो बनता है, बट अभी हम सीधे निकल रहे हैं, देन हम वापसी में ज़रूर यहाँ पे पिक्चर्स लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्टैचू वगैरह हैं, फेस मॉडल्स हैं, एंड शंख हैं। तो यहाँ पे ना यार अगर हम रुक गए ना तो बहुत सारा शॉपिंग का सामान होने वाला है, तो बेटर अभी स्ट्रेट निकलते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये जो रॉकी एरिया हमें मेरे साइड पे मैं देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे ना वाटर का जो कलर है ना, आप अगर बीच पे देखोगे ना थोड़ा डिफरेंट लगेगा, एंड फ्रॉम हियर इट इज़ लुकिंग सो ब्लू। Thank you.
अरे वाह, ऑन द वे पैराग्लाइडिंग भी हमें दिख रही है। सो नाइस, ये बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। बट आई डोंट नो कि मैं करने वाली हूँ कि नहीं, बट इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से नीचे से हमें। अभी हमने वो रॉकी एरिया क्रॉस कर लिया है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्वीट वाटर लेक। ये फ्रंट व्यू है, ये एरम्बोल का बीच है एंड थोड़ी देर हम स्ट्रेट मूव करेंगे, देन राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा स्वीट वाटर लेक। तो यहाँ पे ना ये बीच को देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल आगे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिकॉज ये जो बीच व्यू होता है ना यार, एकदम दिल में बस जाता है एंड आगे जाने का बिल्कुल मूड नहीं करता है। लगता है यहीं पे बैठे रहो, दिन भर अपना टाइम स्पेंड करो, चिल आउट करो, मज़े करो एंड जस्ट टॉक टॉक विद वाटर। तो धीरे धीरे हम आगे की ओर चल रहे हैं, बट ये पानी हमें बोल रहा है कि मुझसे बातें करो फिर आगे जाना। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। ये अनदर पार्ट ऑफ एरम्बोल है जो एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। अब ये वे हमें मिल चुका है, राइट हैंड साइड पे हम टर्न लेंगे, देन हमें मिलेगी जो हमारा डेस्टिनेशन था अभी का, दैट इज़ द स्वीट वाटर लेक। बहुत सुना है इसके बारे में, चलिए अब देखते हैं कि ये कैसी है। चलिए अभी हम एंटर कर रहे हैं स्वीट वाटर लेक में। ये छोटा सा एक एंट्री पॉइंट है, एंट्रेंस गेट यू कैन से, एंड दिस इज़ अ प्राइवेट एरिया। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, ड्रिंक्स, फूड एट्सेट्रा, एंड आपके पास इनफ टाइम रहता है, आप बैठिए एंजॉय कीजिए। तो ये आ गया हमारा स्वीट वाटर लेक। ओ सो नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये तो। ये लग रहा है जैसे ना हम कोई प्राइवेट आइलैंड पे आ गए हैं। इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग गाइस, बहुत सुंदर है।